हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दिव्यांग। आप देख रहे हैं दिव्यांग आर्ट्स। आज मैं टू मटेरियल का रिव्यू देने वाला हूँ। एक है फैबर कैस्टल के, जो मैंने पिछली वीडियो में अनबॉक्सिंग की थी। वो वीडियो नहीं देखी हो तो आई बटन में मिल जाएगी, आपको जाके देख लेना। और एक रिव्यू कर रहा हूँ ये आइवरी पेपर का। वीडियो के लास्ट में मैं रिव्यू दूंगा कि कैसे है कलर। मैं इसके ये आइवरी पेपर पर मैं एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करूँगा। एक बॉय का है पोर्ट्रेट, मेरे पास फोटो है और फोटो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप डाउनलोड करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका भी रिव्यू दूंगा और फेबर कैस्टल के जो कलर है उसका भी रिव्यू दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो अमेजिंग होने वाली है। लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि कैसे कलर है और आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो और ये सारे जो मैं मटेरियल यूज़ करता हूँ वो आपको परचेस करने हो तो ऑनलाइन परचेस करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो बहुत टाइम ना गवाते हैं, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास है आइवरी पेपर और जो मैं पेल ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरे पास फेबर कैस्टल के कलर। तो मैं अभी सिखाऊंगा कि नहीं कि कैसे है, कैसे करते हैं, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आप देखते जाइए कि कैसे कलर होता है। और मैं स्किन का टेक्सचर अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो पूरा स्किन का टेक्सचर हो जाए फिर मैं आपसे बात करता हूँ।
ये मेरा स्किन का टेक्सचर हो चुका है, तो देखिए कैसे है। तभी मैं गूगल ड्रो कर रहा हूँ, तो मैं पहले उसकी फ्रेम ड्रो कर रहा हूँ ब्लैक कलर पेंसिल से। तो फैबर कैस्टल की ये ब्लैक कलर पेंसिल बहुत अच्छी है, जल्दी से बहुत डार्क कलर हो जाता है। और ये वाटर कलर पेंसिल है, तो इसका वाटर कलर भी मैं करूँगा दिवाली स्पेशल सीरीज में लॉन्च। तो अभी मैं ये गूगल्स के अभी जो कांच आते हैं वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लू पेंसिल से। तो ब्लू पेंसिल भी अच्छी है, तो इसके पर मुझे एक बुरा लगे कि इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, इसमें नंबर लिखा हुआ है। तो पता नहीं क्यों नाम नहीं लिखा हुआ, बट बेटर है पेंसिल। तो इसके लिए कलर चार्ट चाहिए। मैंने कलर चार्ट से देख के ही मैंने किया कि कौन से कलर का कैसा शेड होता है। तो ये गॉगल्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लू पेंसिल से, बिकॉज ये ब्लू कलर के गॉगल्स है। इसका शेड नहीं आता, बस इतना ही है हमको आना चाहिए कि कैसे है। तो अभी मैं ब्लेंड कलर के लिए वाइट कलर पेंसिल का यूज़ किया था मैंने। तो अभी हम ईयर ड्रॉ करते हैं। तो ईयर ड्रॉ करने के लिए मैं पहले पेल ऑरेंज कलर यूज़ करता हूँ, और फिर डार्क पेल ऑरेंज, फिर रेड, ऐसे मैं कलर यूज़ करता हूँ। इससे पोर्ट्रेट में बहुत आसानी होती है, जल्दी से ये स्किन का कलर पकड़ लेता है। मुझे ओनली 5 आवर ही लगे हैं। अभी मैं गर्दन ड्रॉ कर रहा हूँ, नेक ड्रॉ कर रहा हूँ। तो नेक मैं ड्रॉ करके आपसे बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कैप ड्रॉ करने वाला हूँ। तो कैप ड्रॉ करने के लिए मैं रेड कलर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो रेड कलर पेंसिल बहुत डार्क है, तो पहले मेरे से बहुत डार्क हो गई, पर इतनी भी डार्क नहीं चाहिए। फिर मैंने थोड़ी सी लाइट यूज़ करी है। तो इसके ऊपर जो पोर्ट्रेट में शिवा लिखा हुआ है वो भी मैं ब्लैक कलर पेंसिल से बनाऊंगा, बिकॉज मैं जब ड्रॉ कर रहा था तब भूल चुका था कि ऊपर वाइट कलर पेंसिल से है। तो इसकी वाइट कलर पेंसिल बहुत ही अच्छी है, बट वो ब्लेंड करने के लिए यूज़ होती है। तो अभी मैं ये कैप ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर पेंसिल से, पूरी रेड कलर पेंसिल कर दूंगा और फिर ऊपर शिवा लिखूँगा, जिससे कि जो उसका शर्ट है और वो कैप है वो मैच हो जाए, मतलब कि अच्छा लगे पोर्ट्रेट। इसीलिए तो मैं कैप ड्रॉ करके और शर्ट ड्रॉ करके आपसे बात करता हूँ।
Thank you.
करना है, जाके आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इससे ये वाले कलर से किया, आपने देखा वीडियो में, तो ये पेपर बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्मूथ पेपर है। इसमें मुझे सब कुछ शेड करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ही जल्दी से ये पोर्ट्रेट ख़त्म हो गया। 5 आवर लगे पूरा पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में। तो ये कलर भी अच्छे हैं, इसके रेड वाला कलर, ब्लैक कलर, और इसका स्किन का टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको कलर पोर्ट्रेट ड्रॉ करना हो तो ये कलर आप यूज़ कर सकते हैं, और ये आइवरी पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके परचेस कर सकते हो आप। और पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की है, उसका कलर चार्ट भी मैंने बनाया है। तो ये वीडियो पसंद है, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे कई सारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। और हाँ फ्रेंड्स, दिवाली स्पेशल सीरीज भी लॉन्च होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और मैं जो भी ड्राइंग करूँ वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो और आप बहुत कुछ सीख सके। तो अगली वीडियो आने तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग।